स्टूडेंट्स, अगर आप भी जेई की टॉप रैंक्स में दिखना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी रैंक्स जो है बहुत ही अच्छी आए आईटी जेई के टाइम पे, नीट के टाइम पे, तो उसके लिए हमें जो है तैयारी बहुत पहले से शुरू करनी होती है। तो उसी तैयारी की आज हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है दीपिका और वेद साइंस पे आज हम लेके आए हैं एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है NSEJS। ये एक एग्जाम है जो आपको 9th क्लास में देना होता है, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं NSEJS क्या है। NSEJS है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस ये क्या होता है, किस स्टेजेस में दिया जाता है, कब से इसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे कैसे हम इसको तैयार कर सकते हैं, कितना पढ़ना पड़ता है इस चीज़ के लिए और कैसे हम इस पे चल सकते हैं, इस रास्ते पे देखते हैं। चलिए, तो ये जो एग्जाम है NSEJS, ये एग्जाम जो है कौन कराता है, ये कराता है IAPT जो कि है इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स इन एसोसिएशन विद होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। ओके, तो ये जो लोग हैं ये एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। कैसे ये एग्जाम होता है, क्या स्टेजेस होती हैं, क्यों इस एग्जाम को करना चाहिए, एक बार देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज है जो हम बात करने वाले, इसकी स्टेजेस, किस स्टेजेस में इस एग्जाम को हम कंडक्ट करा सकते हैं। तो इसकी जो स्टेजेस है हम अभी आप देख सकते हैं। NSEJS सबसे पहले एक एग्जाम होता है 9th क्लास में, NSEJS जो आपको देना होता है। उसके बाद अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं, यहाँ से जो है 300 के अप्रॉक्स स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि सेलेक्ट होते हैं INJS, जो कि नेक्स्ट स्टेज होती है, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं इस एग्जाम में, वो अप्रॉक्सीमेट 35 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, 35 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और वो चले जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में, OCSC में। ठीक है, OCSC के जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, यहाँ पे 6 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स आउट ऑफ दीज 35 स्टूडेंट्स, 6 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो कि PDT कैंप में जो है हिस्सा लेते हैं। उसके बाद वहां से वो फाइनल एग्जाम में चले जाते हैं जो कि होता है IJSO, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे होता है, इंटरनेशनल लेवल पे एग्जाम होता है। तो देखते हैं क्या ये एग्जाम की स्टेजेस है, किस तरीके से होता है। तो NSEJS जो है उसके बाद जो दूसरी स्टेज है INJS, उसको क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। और उसको कौन बच्चा अपेयर कर सकता है, जो NSEJS क्वालिफाइड बच्चा है, सिर्फ वही उस एग्जाम में अपेयर कर सकता है। सेकेंड जो एग्जाम है OCSE इज ओरिएंटेशन कम सेलेक्शन कैंप। यहाँ पे इन 35 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जो कि आगे जाके इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है मौका है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का इन साइंस। ओके, सेकंड देखते हैं PDT। PDT इज व्हाट, प्री डिपार्चर कैंप, कि जब बच्चों को भेजा जाता है IJSO के लिए तो उससे पहले यहाँ पे कैंप होता है जहाँ पे बच्चों को सारी चीजें सिखाई जाती हैं, वो सब यहाँ पे होता है। ये कौन जाते हैं यहाँ पे, वो 6 बच्चे जो सेलेक्ट हुए थे कहाँ पे, OCSE में, वही जाके PDT पहुंचते हैं। और वो 6 बच्चों की टीम, उनके साथ कोऑर्डिनेटर होते हैं, 3 कोऑर्डिनेटर होते हैं, ये टीम जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, अलग अलग कंट्रीज कंडक्ट कराती है IJSO। तो IJSO क्या है, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। और ये कौन बच्चे दे सकते हैं, किस क्लास के बच्चे, 9th क्लास के बच्चे। 9th क्लास में भी वो बच्चा जिसकी एज 15 ईयर से कम होती है, जूनियर साइंस इसलिए बोला जिनकी एज 15 ईयर से कम होती है, वही इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कैसे। ओके, सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज वेद साइंस, ओके, फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स सी अबाउट IJSO। IJSO क्या होता है, यहाँ पे ओवर 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट। IJSO जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है, वहाँ पे ओवर 50 कंट्रीज पार्टिसिपेट, 50 कंट्रीज के जो है टीम्स आते हैं, वहाँ पे बच्चे आते हैं अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ और वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या मोटिव है उनका, IJSO कराने का मोटिव क्या है, टू प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ साइंस अमंग स्कूल स्टूडेंट्स एंड एक्सपोजिंग देम टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि बच्चों को बचपन से ही आदत डाल दी जाती है कि वो किस प्रॉब्लम को रट के ना एक सोच के करें, हर चीज़ को सोच के करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, एक्सपेरिमेंटेशन पे, कोई चीज़ कैसे हुई। हम क्या करते हैं, यूजुअली जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, बुक उठाया, सिलेबस पढ़ा, एग्जाम दे दिया। बट यहाँ पे बच्चों की जो अप्रोच है वो साइंटिफिक बनाई जाती है, इसीलिए उसका टाइटल भी जूनियर साइंटिस्ट है। ठीक है, ताकि बच्चों में एक साइंटिस्ट कैसे बनते हैं वो चीज़ वहीं से उनके अंदर आनी शुरू हो जाए, कैसे करना होगा, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाएगा, सिर्फ रटी रटाई चीज़ें, लिखी लिखाई चीज़ें नहीं पढ़नी होती है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये एम है इनका। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज में होता है, जैसे 2020 में जर्मनी में, देन 21 में UAE में और 22 में यूक्रेन में। तो आप इनमें से कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो इस टाइम पे जाके देंगे तो देख सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट हो सकता है आपका कि आपको वहां जाने का मौका मिलेगा, वो भी इतनी छोटी एज में। ठीक है, और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे हम वहां जाके। चलिए बेटा नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट जो है एलिजिबिलिटी, तो ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट दे सकते हैं बिलो द एज ऑफ 15. इसमें भी कंडीशन है बॉर्न बिटवीन, इस बार जो बच्चे देंगे एनएसजीएस उनकी कंडीशन ये होगी कि 1 जनवरी 2007 से 30 दिसंबर 2008 तक के ही बीच के बॉर्न होने चाहिए, इंक्लूडिंग बोथ द डेट्स, दोनों डेट्स इंक्लूड करके अगर कोई पैदा हुआ बच्चा है तो वो एग्जाम दे सकता है. और एक कंडीशन क्या है कि IAPT जो है, वही और बाकी के भी एग्जाम कराती है जो कि जिनका नाम है NSEA, NSEP, NSEC और NSEB, ये आपको साइट पे मिल जाएंगे. इनके बारे में डिटेल चाहिए तो IAPT की साइट पे ही मिलेंगे, तो वहां जाके देख सकते हैं. इन बाकी के एग्जाम्स में एनरोल नहीं किया हुआ होना चाहिए बच्चे ने, तभी जाके वो वहां पे एग्जाम में अपीयर कर सकता है. नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं क्या रिक्वायर्ड है हमें यहाँ पे. ओके, तो इट इज एग्जाम पैटर्न, कि अभी हमने जान लिया है कि कैसे क्या क्या है ये एग्जाम, कैसे होता है, क्या स्टेजेस है. अभी जो देखना है कि क्या पढ़ना होगा, मेन चीज पे आता है तैयारी कैसे होगी. तो तैयारी करने के लिए हमें देखना है कि जो 2019 था उस टाइम तक जो सिलेबस का पैटर्न था वो इस तरीके से था, एग्जाम का पैटर्न था वो इस तरीके से था. कैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स सबके क्या आते हैं 20 क्वेश्चन ईच. उन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेज NSEJS एंड सेकेंड स्टेज INJS, तो इन दोनों को कंबाइन करके IOQJS बना दिया था. वहां पे एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हुआ क्योंकि कोविड की वजह से ज्यादा एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हो पाते, तो इसलिए दो एग्जाम्स को मर्ज करके एक और एग्जाम इन्होंने बना दिया IOQJS. उसका एग्जाम जो पैटर्न था वो कुछ इस तरीके से था कि हर एक सब्जेक्ट का 15 क्वेश्चन आने वाले थे वहां पे, बट उसके अलावा वहां पे क्वेश्चन आए थे MSQ टाइप क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन MSQ टाइप से. अब ये कौन से क्वेश्चन होते हैं जिनमें मोर देन वन करेक्ट आंसर होता है. MCQ क्या होता है कि चार ऑप्शन में से कोई एक सही होगा. MSQ क्या है, मल्टी सेलेक्ट टाइप, ठीक है, उनमें से हम कितने भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सही हो सकता है, तो ये टाइप के क्वेश्चन थे. ओके, तो अगर इन टोटल देखे तो मार्क्स जो है 3 मार्क्स ईच पहले की तरह, ठीक है, पहले भी यही था अभी भी यही, बट जो MSQ टाइप है वो 6 मार्क ईच है. और ओवरऑल अगर हम देखें 240 मार्क्स का ये एग्जाम होता है और नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3, दैट इज -1 नेगेटिव मार्किंग. और MSQ टाइप जो क्वेश्चन थे मल्टी सेलेक्ट टाइप उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी. तो ये पैटर्न था अभी 2020 का. अभी देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो आएगी IAPT पे आएगी, उससे हम अपडेटेड रहेंगे. होप सो कि इन्हीं में से कोई पैटर्न रहेगा, बट देखते हैं कैसा रहेगा. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेबस देखना होगा. सिलेबस एक बार देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है NSEJS फिजिक्स सिलेबस दिया हुआ है, आप इसको आराम से देख सकते हैं. जो जो सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, लाइट, डायमेंशन, साउंड, वर्क एनर्जी, फ्लूइड, हीट, और यहाँ पे रेक्टिलिनियर मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सारे टॉपिक्स हैं जिनकी डिटेलिंग दी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं. अब ऐसे ही अगर हम बोले कि 9th का एग्जाम है बच्चे को कितना पढ़ना होगा, तो क्या ये टॉपिक पढ़ के हो जाएगा, उसमें भी हम कहेंगे नहीं, आपको 11th और 12th की NCERT तक के लेवल एटलीस्ट करना होगा, एटलीस्ट NCERT लेवल. ज्यादा कोई बुक्स भी नहीं पढ़नी है कि आप उसी में रिसर्च करने चले गए हैं, ऐसा नहीं करना है. आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से नहीं आते कि वहां से आप कंसेप्ट रट लोगे, डेरिवेशन रट लोगे, इक्वेशन रट लोगे तो आ जाएगा, वहां से नहीं आएगा. आपको उनको समझना है क्योंकि पेपर का जो मेन पर्पज है वही यही है कि बच्चों में डेवलप किया जाए थिंकिंग एबिलिटी. तो जो ये है फिजिक्स का सिलेबस, दिस इज केमिस्ट्री सिलेबस. केमिस्ट्री में क्या है, ऑलमोस्ट 9th-10th का पूरा सिलेबस है. इसके अलावा मोल कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से आता है. 11th-12th इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, ये जो है ये अच्छे से आते हैं. तो यानी कि अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अच्छे से पूछा जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री से अच्छे से पूछा जाता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ 10th के लेवल तक की आती है. और उसके अलावा अगर करें तो थोड़ा बहुत नोमेनक्लेचर वगैरह बेसिक्स आ जाते हैं, GOC वगैरह तक पढ़ सकते हैं आप. उसके अलावा ऑर्गेनिक में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है. अदरवाइज 11th-12th की जो NCERT है, जैसे थर्मोरेडॉक्स, ये टॉपिक भी आप थोड़ा देख सकते हैं जो कि रिलेटेड होंगे इनसे, पीरियोडिसिटी एंड गैसेस लो, ठीक है, ये सारी चीजें भी हम कर सकते हैं. तो सिलेबस, मैं फिर बोल रही हूँ, सिलेबस डिफाइंड नहीं है, आपको खुद से देखना होगा कि आप कितना कर पा रहे हैं. दूसरा एक और चीज ध्यान रखनी है एग्जाम की तैयारी करते टाइम क्या होता है, 9th में ही बच्चों के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं. NSEJS है, इसके अलावा जो डेली के स्टूडेंट उनके लिए JSTSC का एग्जाम भी होता है, PRMO एग्जाम भी होता है, मैथ्स ओलंपियाड. तो बच्चे क्या सोचते हैं कि मुझे ना बहुत ज्यादा कुछ अचीव करना है और मैं सबकी तैयारी कर देता हूँ. ये ध्यान रखना, जिस बच्चे ने NSEJS की तैयारी करना है उसको बाकी सारी चीजों को अवॉइड करना होगा, क्योंकि इसकी तैयारी बिल्कुल अलग है. अगर आप PRMO करने जाओगे उसमें मैथ्स की बहुत डिटेलिंग मांगी जाती है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो मैथ्स का सिलेबस है वो इतना ज्यादा नहीं है, हमें मैथ्स जो है ज्यादा नहीं पढ़नी है. पहले मैथ्स का सिलेबस देख लेते हैं. ये रहा
तो मैथ्स जो है ज्यादा नहीं पढ़नी, सिर्फ कुछ ही टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि मैथ्स सिर्फ फर्स्ट स्टेज में आता है, उसके बाद नहीं आता। सिर्फ एनएससीजीएस में मैथ्स आता है, उसके बाद मैथ्स ज्यादा नहीं पूछा जाता है। तो इसलिए मैथ्स ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा चीजों में नहीं घुसेंगे हम। ये सिलेबस है मैथ्स का, देख लेंगे किस तरीके से और आपको क्या क्या करना होगा। ये टॉपिक्स आप देख लेंगे एक बार अच्छे से। ऐसे ही बायोलॉजी का सिलेबस देख लेते हैं। बायो में भी, बायो आपको अच्छे से करनी होगी। बायो आपको 12th के लेवल तक के, उससे ज्यादा भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक कि वो कौन सा टॉपिक है। यहाँ पे मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा आप एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, बहुत ज्यादा बुक्स कैम्बेल वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। आपको अपना एक ध्यान रखना है कि आपको अप्रोच डेवलप करनी है टॉपिक्स की, आपको रटना कुछ भी नहीं है, अप्रोच हर टॉपिक की डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आप सिलेबस देख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डिटेलिंग भी है कि जो मेन टॉपिक है जहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी अवेलेबल होते हैं साइट पे, वहां से आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो है इसमें हम देखते हैं कट ऑफ मार्क्स। अब मेन चीज आती है कि अगर हमने पढ़ भी लिया है, तैयारी कर ली, तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, कैसे जाती है। तो वहां पे क्या करते हैं, जितने भी एग्जाम में बच्चों ने अपियर किया था उसमें से टॉप 10 बच्चों के मार्क्स उठा के उनका एवरेज लेते हैं, ठीक है। टॉप 10 बच्चों के मार्क्स का जो एवरेज है उसका 80% जो है वो मेरिट इंडेक्स में आता है, MI बोलते हैं इसको, MI बोलते हैं, ठीक है। और वहां का 50% जो एवरेज आया था उसका 50% जो मार्क्स है वो वहां का MAS मास बोला जाता है, ठीक है, मिनिमम एडमिसिबल स्कोर। तो जो मास जिन्होंने किया है उनको मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, वहां पे मेरिट का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और जो MI सेलेक्टेड बच्चे होते हैं वो नेक्स्ट लेवल के लिए अपीयर होना शुरू कर देते हैं, और जो सेकंड लेवल में क्वालिफाई हो जाता है उनका ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो ही गया होता है। ये समझो कि वहां पे सेकंड लेवल के बाद थर्ड लेवल तक जाते हैं, ऑलमोस्ट सिलेक्शन हो ही जाता है, वहां तक का लेवल भी बहुत है। उसके बाद हाउ टू प्रिपेयर, ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि बुक्स जो है सिर्फ NCERT से ज्यादा नहीं जानी चाहिए, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। वो आपका इंटरेस्ट देखा जाता है कि एक टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है तो आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हैं, बट उसमें भी बहुत ज्यादा नहीं जाना है। क्योंकि ध्यान रखें, ये जो बच्चे जो यहाँ पे तैयारी कर रहे होंगे ये यूजुअली 7th-8th से स्टार्ट कर देते हैं, 7th-8th, तब जाके वो 9th में इतना तैयारी कर पाते हैं। ये एक ही साल में, सिर्फ 9th में नहीं हो सकता ये एग्जाम। ये मान के चलो आपको बहुत अर्ली स्टेज पे तैयारी शुरू करनी होती है, आप 8th क्लास से स्टार्ट कर दें, परफेक्ट टाइम है 8th के मिड एग्जाम, मिड के बाद शुरू कर सकते हैं, या फिर 9th के स्टार्टिंग में ही अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम है तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये इस एग्जाम के बारे में मेन है कि हमें कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, और कैसे इसमें सिलेक्शन लिया जाता है, और सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर क्या है, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं जो PDT कैंप तक जाते हैं उनको भी गोल्ड मेडल मिल जाता है, 35 स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिलता है। उसके बाद जो है जाते हैं वो 6 जो है ओलंपिक लेवल का जो है एक वहां पे सिनेरियो होता है जहां पे इतनी सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, और वहां पे आपको भी अपनी कंट्री को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। तो ये मैंने क्यों कहा शुरू में कि अगर आपको JEE की टॉप रैंक में आना है तो ये एग्जाम जरूरी है, क्योंकि आप जब भी उठा के देखेंगे जो भी JEE की रैंकर्स बच्चे होते हैं वो ओलंपियाड जो है बहुत अच्छे से देखे जाते हैं, उनका ओलंपियाड में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वो अर्ली स्टेज पे शुरू करते हैं। कोई भी बच्चा सिर्फ 11th और 12th पढ़ के JEE की इतनी टॉप रैंक्स नहीं ला सकता। रैंक 1 देखते हैं, रैंक 2, टॉप 100, टॉप 200, ये रैंक्स लाने के लिए कभी भी 11th और 12th सफिशिएंट नहीं है। बहुत अर्ली स्टेज पे तैयारी करनी शुरू होती है, और अर्ली स्टेज पे अगर आपको बोले कि आपको पढ़ना है, आपको JEE क्वालिफाई करना है और आप 9th क्लास में, तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा बड़ा एम है, बहुत दूर का एम है। इसीलिए छोटा एम, 9th में एक एग्जाम है आप जहाँ पे कंपटीशन फेस कर सकते हो, ऐसे 10th में भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो ये अर्ली स्टेज पे तैयारी शुरू करने का बहुत ही अच्छा मोटिवेशन है, आपको तैयारी करने के लिए मोटिवेशन भी है, पूरा सब कुछ हम यहाँ पे प्रोवाइड भी कराएंगे, बाकी हम चीजें यहाँ पे धीरे धीरे आपको लाते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, लेक्चर्स आपको मिलेंगे, हमें फॉलो करते रहे वेद साइंस पे। थैंक यू सो मच।